गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार वरुथिनी एकादशी जो कि 18 अप्रैल 2020 शनिवार के दिन है। ऐसा माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से या कथा का श्रवण करने से 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही इस व्रत के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। तो आज हम आपको वरुथिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा तथा परिवार की रक्षा होगी और आपके बड़े से बड़े शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा तथा आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट और कष्टों का निवारण भी हो जाएगा। 18 अप्रैल 2020 के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि वरुथिनी एकादशी भगवान कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर के पूछने पर बताई थी। उन्होंने बताया था कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल एवं महत्व क्या है, तो इसके कथन पर भगवान ने उन्हें कहते हुए कहा कि हे धर्मराज, लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली वरुथिनी एकादशी व्रत करने से साधक को लाभ की प्राप्ति होती है तथा उसके पापों का नाश भी हो जाता है। यह एकादशी भक्त को समस्त प्रकार के भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन से कठिन तपस्या करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियम के अनुसार व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही नियम धारण कर लेना चाहिए। संयम व शुद्ध आचरण का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातः काल समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु की वाराह रूप में पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा भजन कीर्तन भी करना चाहिए एवं पूरे दिन एवं रात श्री हरि का मनन करते रहना चाहिए। इस एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है, जिसके अनुसार मानधाता इक्ष्वाकुवंशी नरेश थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें 100 राजस्यु तथा अश्वमेघ यज्ञों का कर्ता और दानवीर धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट जो वैदिक अयोध्या नरेश मानधाता जैसा अभिन्न माना जाता था। यादव नरेश शश बिंदु की कन्या बिंदुमती इनकी पत्नी थी, जिनसे मुचकुंद अम्बरीश और पुरुकुत्स नामक 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो एक ही साथ सोभरी ऋषि के साथ में ब्याही गई थी। पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ के हवि युक्त मंत्रपूत जल को प्यास में भूल से पी जाने के कारण युवनाश को गर्भ रह गया, जिसे ऋषियों ने उसका पेट फाड़ कर के निकाला। वह गर्भ एक पूर्ण बालक के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र की तर्जनी उंगली को चूस करके रहस्यात्मक ढंग से पला और बड़ा हुआ था। इंद्र द्वारा दूध पिलाने तथा पालन करने के कारण इनका नाम मानधाता पड़ा। यह बालक आगे चल करके बड़ा ही पराक्रमी राजा बना। इन्होंने भगवान विष्णु जी से राजधर्म और वसु होम से दंड नीति की शिक्षा प्राप्त की थी। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे, क्योंकि गर्व से चूर होकर
और स्वयं को उच्च मानते हुए इनके द्वारा कई गलत कार्य भी हुए, जिनके प्रभाव स्वरूप इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। अतः अपने पापों से मुक्ति पाने हेतु क्षमा याचना स्वरूप इन्होंने इस एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति संभव हो सकी। इसी प्रकार राजा धुंधुमार को भगवान शिव ने एक बार क्रोधवश श्राप दे दिया, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति हुई। उनसे मुक्ति के मार्ग के लिए धुंधुमार ने इस वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति हुई तथा उत्तम लोक को प्राप्त हुए। यह एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसे वरुथिनी एकादशी कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और सभी सुखों को भोग करके अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत वरुथिनी एकादशी का व्रत करेगा, उसको सारे पापों से मुक्त होते हुए सभी प्रकार के सुख अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। अतः इस व्रत कथा का फल एवं इस व्रत का फल गंगा स्नान से भी अधिक है। इस महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गौदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को पाप से डरते हुए धर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अतः वरुथिनी एकादशी का व्रत 18 तारीख को प्रातः काल से लेकर के प्रारंभ होगा, जो कि पूरे दिन और रात्रि चलेगा, और अगले दिन सुबह जब सूर्योदय होगा यानी 19 तारीख रविवार के दिन सुबह सूर्योदय यानी 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में इस व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इस दिन केवल फलाहार ग्रहण करना चाहिए। साथ ही यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में चावल का उपयोग नहीं होना चाहिए, यानी घर में न तो चावल बनाना चाहिए न ही चावल से संबंधित कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं करना चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए तथा अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को या मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद को दान पुण्य करने के पश्चात ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा आप तुलसी दल से कर सकते हैं और जल से कर सकते हैं या फिर मिश्री से कर सकते हैं या अन्न या फल आदि कोई भी वस्तु से कर सकते हैं, लेकिन पारणा आपको प्रातः 9 बजे के पहले पहले अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तभी इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। तो आपको हमने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा।
बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैकुंठ नारायण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। नगर बस्ती की जय। आज के आनंद की जय। कल के आनंद की जय। परसों के आनंद की जय। बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।